दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। जालंधर स्थित कोर्ट्स परिसर में नेशनल लोक अदालत जस्टिस महेश ग्रोवर की अध्यक्षता में लगाई गई। इस दौरान 32 बेंच लगाए गए जो कि अलग अलग केसों पर काम कर रहे थे। इसके साथ ही एक बेंच एसडीएम का लगाया गया जहां पर रेवेन्यू से संबंधित केसों के निपटारे किए गए। इस दौरान वुमेन सेल और कमिश्नरेट केस के भी अलग अलग से बेंच स्थापित किए गए। इस दौरान 580 केसों को हल किया गया। इस अवसर पर जालंधर के जिलाधीश कमल किशोर यादव व कई माननीय जज साहिबान भी मौजूद थे। आज नेशनल लोक अदालत लगाई गई है जो कौमी कानूनी सेवा अथॉरिटी नवी दिल्ली के आदेशों के अनुसार लगाई है। आज साढ़े इंस्पैक्टिंग जज साहब जस्टिस महेश ग्रोवर जी भी आए जिन्हों की सुपरविजन के अंडर इतने नेशनल लोक अदालत लगी हैगी है। इतने असी 32 बेंचेस स्थापित किए हैं जो डिफरेंट जजेस है उन्होंने लीड कर रहे हैं। तो उन्होंने नाल ही एक बेंच एसडीएम साहब का इतने लगाया गया जिस रेवन्यू के मैटर जोड़े है रिजॉल्व किए गए हैं। नाल असी दो जोड़े बेंच लगाए है विमेन सैल के लगाए है, एक दिहाती का बैंक बेंच लगाया गया, नाल ही एक बेंच लगाया है असी कमिश्नरेट के केसिज का जिस घट्टो घट 580 जोड़े केसिज है निपटाए गए है। तो टोटल जी फिगर हैगी 30,000 के नज़दीक जोड़े केसिज है अज ये डिस्पोज ऑफ होने की संभावना हैगी है।